Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल आई के ऑफिशियल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जिनको पेट के अंदर उपहार पैदा होती है, जलन का मसला है, तेजाबियत का मसला है, भूख की कमी का मसला है, और ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको एच पेलोरी है, अल्सर का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात ने इस नुस्खे के अंदर बड़े फ़वाद छुपा कर रखे हैं, तो मैं बिल्कुल तरतीब के साथ और एक एक चीज़ लिखकर आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, कितनी मकदार के अंदर करनी है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर वो हुकमा जो इस नुस्खे को बनाते हैं या इस्तेमाल करवाते हैं या थोड़ी बहुत वो समझ बूझ रखते हैं मिजाज के बारे में, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करवा कर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो मर्दों के अमराज हैं उसमें भी ये नुस्खा मुफीद है और ज़नाना अमराज के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर पर लेकोरिया का मसला हो गया और भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। मिजाज और नब्ज़ देखकर या नब्ज़ शनासी के ज़रिए से अलामात देकर इस नुस्खे को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन जो असल जो इस नुस्खे का फ़ायदा है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मैदे के अमराज का शिकार हों, चाहे वो जिस तरीके से भी हों, पेट के अंदर उपहार पैदा हो जाते हैं, खाना खाते हैं सही तरीके से हज़म नहीं होता या खाना खाते हैं फौरन ही वाशरूम आ जाता है और जो खाया पिया होता है वो सब खारिज हो जाता है, जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है या भूख सिरे से लगती ही नहीं है या लगती है तो बहुत मामूली सा खाते हैं लेकिन वो भी तबीयत के अंदर अजीब सी गैस की कैफियत पैदा हो जाती है, तो ये नुस्खा उनके लिए मुजर्रबुल मुजर्रब है, बिल्कुल आसान आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है। बनाकर आपने इसको रख देना है घर के अंदर, जब भी ये कैफियत पैदा हो थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ तो जितने भी मैदे के आपके मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत कारामत और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और दोस्तों, मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करें, आप लाइक करें या ना करें लेकिन वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना ये भी सदका है। अगर आपको कोई मसला नहीं है और आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप आगे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी और का भला हो जाए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन होती है, घंटी का बटन होता है, उस पर ज़रूर दबाया करें। जब तक आप वो नहीं दबाएंगे, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल सकेगा। बहुत सारे दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन घंटी के बटन पर क्लिक नहीं किया, जिसकी वजह से जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुँच पाता। और दोस्तों, अगर आपने हमारी वेबसाइट का विज़िट नहीं किया है कि official.com, तो ज़रूर उसका विज़िट करें, वहाँ पर बहुत सारी कीमती मालूमात आपको मिलेंगी। और अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान बदर वाला ख़रीदना चाहता है, खालिस रोगन बलसान बदर मदीना वाला, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ प्योर होगा और मुकम्मल हिदायत उसके साथ आपको दी जाती हैं कि कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको लिखकर भी बताया है कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है, बे औलाद हजरात इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कमज़ोरी वाले कैसे इस्तेमाल करेंगे, फारी लकवे वालों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये मुकम्मल हिदायत आपको दी जाती हैं और आपको बताया जाता है। फिर आपको साथ में ये भी बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है। तो अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान बदर वाला मंगवाना चाहता है, खालिस जंगली शहद मंगवाना चाहते हैं, उसके अलावा खालिस ज़ाफ़रान, खालिस सलाजीद, अजवा खजूर, अजवा का सफूफ, अजवा का पेस्ट या किसी भी किस्म की अद्वियात मंगवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त नुस्खा पूछना चाहते हैं या सिर्फ किसी भी मसले के बारे में अपना मशवरा लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें और अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ दें, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं जल्द अज़ जल्द उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चले दोस्तों, मैदे के मसाइल के लिए कौन सा नुस्खा है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है, कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तफसील के साथ उसको सुन लेते हैं। जी तो दोस्तों, नुस्खा सुन लीजिए, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये एंटीबायोटिक नुस्खा है और मैदे के तमाम अमराज के लिए इंतहाई मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। बहुत सारी बीमारियों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ। तो इस नुस्खे के अंदर आपको चार चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको एक एक चीज़ लिखकर बताऊंगा और
कैसे उनका इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, ये भी इंशाल्लाह ताला लिखूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने लेनी है, नंबर एक हल्दी लेनी है। हल्दी आप साबित लेंगे, साबित हल्दी हो गई। नंबर दो आपने मुलठी लेनी है। नंबर तीन आपने सौंफ लेनी है। और नंबर चार आपने रेवंद खताई लेनी है। ये पांच चीज़ें आपने लेनी, चार चीज़ें आपने लेनी हैं, हल्दी, मुलठी, सौंफ और रेवंद खताई। अब इनकी मकदार क्या होगी? जो हल्दी साबित आप लेंगे ये 50 ग्राम, मुलठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और रेवंद खताई 150 ग्राम, 150 ग्राम ये रेवंद खताई आप लेंगे। चार चीज़ें होंगी, हल्दी, मुलठी, सौंफ, रेवंद खताई। ये ऊपर वाली तीनों चीज़ें ये 50-50 ग्राम और रेवंद खताई 150 ग्राम ये आपने लेनी है। अब इन चारों चीज़ों का आपने सफ़ूफ बनाना है, सफ़ूफ बनाना है। बाद लोग पूछते हैं ये सफ़ूफ क्या है, तो मैं बता दूं कि यानी पाउडर बनाना है। अच्छी चीज़ तो यही है कि इसकी अच्छे तरीके से कुटाई करें और कुटाई करने के बाद ख़ुद इसको तैयार करें ग्राइंड करने की बजाय, और अगर ख़ुद तैयार नहीं कर सकते तो फिर ग्राइंड करवा सकते हैं। तो ये आपने चारों चीज़ों का आपने सफ़ूफ बनाना है। ये जो चारों चीज़ें हैं इनका सफ़ूफ बनाकर इसको संभाल कर किसी बर्तन के अंदर संभाल कर रखना है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ लीजिए। एक चम्मच से आधी चम्मच तक इसकी मकदार खुराक है। खाना खाने के 5 मिनट बाद पानी ताज़ा के साथ। तो सफ़ूफ बनाना है, इसका पाउडर यानी बनाना है। एक चम्मच से लेकर आधी चम्मच तक इसकी मकदार खुराक है। खाना खाने के 5 मिनट बाद ताज़ा पानी के साथ आपने इसको लेना है। खाना खाने के 5 मिनट बाद ताज़ा पानी के साथ। शुरू शुरू में आपने आधी चम्मच इस्तेमाल करनी है, फिर मकदार थोड़ी सी बढ़ाकर एक चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा चाय का चम्मच। शुरू में आधी चम्मच, फिर एक चम्मच इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मैंने आपको फ़वाद पहले भी बताए हैं कि ये एंटीबायोटिक है, इसको बहुत सारे अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी ये कि अल्सर के अमराज में भी मुफीद है, उसके अलावा भूख की कमी का मसला हो, या उफारा हो, गैस बनती हो, मेदे में दर्द रहता हो, सब के लिए मुफीद है। तो दोस्तों ये चार चीज़ें आपने लेकर इनका सफ़ूफ बनाकर एक चम्मच आपने इस्तेमाल करना है खाना खाने के 5 मिनट बाद ताज़ा पानी के साथ। इंशाल्लाह ताला जिसको भी मैदे के मसाइल हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्सर का मसला हो, भूख की कमी का मसला हो, फारे गैस का मसला हो, मैदे में दर्द रहता हो, सब के लिए इंशाल्लाह मुफीद है। और औरतों के लिए कोरिया का मसला हो तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, काबिल हकीम उनकी नब्ज़ देकर तशखीस करके फिर उसको तरतीब के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल आई के ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।